तो यहाँ पर आपने AI की मदद से वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव होती हुई देखी होगी। कई बार आपने रील्स के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर आपने कई बार जो काफ़ी क्वालिटी इंप्रूव क्वालिटी के अंदर आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी, उस तरीके की वीडियोस को आप यहाँ पर किस तरीके से जनरेट कर सकते हो, तो आज की वीडियो के अंदर उसी के बारे में बात करना हूँ। कुछ एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर मैं बात करने वालू, तो किस तरीके से एप्लीकेशन को यहाँ पर आपको डाउनलोड करनी है या फिर इसे यूज़ कैसे करना है और किस तरीके से आप अपनी AI की मदद से वीडियो क्वालिटी को आप यहाँ पर टॉप लेवल पर ले जा सकते हो, यानी 4K क्वालिटी के अंदर वीडियोस का यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो, तो उसी के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको वीडियो को फॉलो करना है, तो और किस तरीके से आपको मतलब यहाँ पर आपको AI की मदद से वीडियो की क्वालिटी आप इंप्रूव कर सकते हो, तो आज की वीडियो के अंदर उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जिस भी एप्लीकेशन के बारे में जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर दे रखी होगी। तो यहाँ पर आपको वीडियो को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपके जो लाइब्रेरी होगी या फिर फोन की जो लाइब्रेरी होगी उसके अंदर से आपको कोई भी यहाँ पर वीडियो सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर एड टास्क के ऊपर यहाँ पर आपको मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ। तो कैंसिल करने के बाद यहाँ पर मैं प्लस के ऊपर जाना है, आपको यहाँ पर कैटेगरी के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको करना है कि यहाँ पर आपको AI रिपेयर के ऑप्शन के अंदर आना है। ऑप्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पर किसी भी वीडियो को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इस वीडियो को यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ AI रिपेयरिंग का। आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो आप इसकी मदद से यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। जो भी मतलब आप ऑप्शन आपको यहाँ पर सेट करना है यहाँ पर आपने सेट कर सकते हो। यहाँ पर वीडियो इन प्रोग्रेस है, उसके हिसाब से आप AI रिपोर्ट, तो यहाँ पर आपको AI रिपेयर का ऑप्शन आता है। इसके अंदर आप 2K रेजोल्यूशन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। यहाँ पर इमेज क्वालिटी आपको कितनी रखते हो उसके हिसाब से यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर रेजोल्यूशन आप सेट कर सकते हो, यानी AI की मदद से आप वीडियो का रेजोल्यूशन आपको कितना रखना है, तो आप 4K के अंदर भी रख सकते हो या पर आप 1080p 2K के अंदर ऊपर आपको ऑप्शन मिलते हैं। इंटरपोलेशन, अगर आपको किसी वीडियो को आपको यहाँ पर कंबाइन करना है तो उसकी यूज के हिसाब से यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर डीनोइस का ऑप्शन आता है, कलर का ऑप्शन आता है, आप चाहो तो कलर्स वगैरह बूस्ट कर सकते हो। नाइट व्यू का आपको ऑप्शन आता है, तो अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आप डीनोइस या फिर इंटरपोलेशन वगैरह आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। इमेज क्वालिटी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, इसका यहाँ पर टैक्स आप ऐड कर सकते हो और किस तरीके से आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलते हो आगे वीडियो तरह उसके बारे में बात करेंगे। पूरी प्रोसेस में यहाँ पर आपको नहीं मिलता, कुछ मिनट का यहाँ पर आपको वेट करना पड़ता है। उस हिसाब से यहाँ पर आपको वीडियो रिपेयर होने के बाद यानी अपस्केल होने के बाद आपके सामने आ जाती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कुछ मिनट्स तक यहाँ पर आपको वेट करना पड़ सकता है, तो यहाँ पर आपको वेट कर लेना और किस तरीके से यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेंगे उसको मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। कोई भी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन अगर आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सब्सक्राइब और रेट बेल आइकन के ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आपको सबसे पहले इसे बैक कर लेना। डाउनलोड मतलब वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है, फिर से आपको वही पे एक बार और कर लेनी है। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको फिर से बैक आना है, फिर से बैक आना है और यहाँ पर आपको गेट योर लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना और जो भी आपकी लिंक होगी वो यहाँ पर आपकी ओपन हो जाएगी। तो जो भी आप जिस भी तरीके से आप मतलब चाहो तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। आज के डेट में इतनी मिलता है आपको।